सिंचाई घोटाले नाल जुड़ी हुई है। कथित घोटाले के मामले च साबका आईएएस अफसर केबीएस सिद्धू विजिलेंस के सामने पेश नहीं होंगे। इस समन नूं चैलेंज किया गया है कि हाई कोर्ट की उलंघना करके समनिंग हुई है, इस करके केबीएस सिद्धू ने तर्क दिता है कि वह विजिलेंस के सामने नहीं जाएंगे ना पेश होंगे। हाई कोर्ट तो मंजूरी लैके ही मेरे तो कार्रवाई की जाए, इस तरह का जो हवाला केबीएस सिद्धू ने किया है। विजिलेंस के अगे पेश फिलहाल केबीएस सिद्धू नहीं होंगे। घोटाले संबंधी पुछ पड़ताल लई विजिलेंस ने तलब किया, सिद्धू ने पेश होने लई समां मंगिया ते नाल दी नाल तर्क भी दिता है कि समय सिर समन भेजो, तैयारी करन दा हवाला दिता है। विजिलेंस ने समन जिथे भेजा उत्थे विजिलेंस दे समन नूं हाई कोर्ट दे नियमां दी उलंघना केबीएस सिद्धू दस रहे ने। हाई कोर्ट तो मंजूरी लैके आओ, फिर मेरे ते कार्रवाई करो। साबका आईएएस अफसर केबीएस सिद्धू दा इह बयान पंजाब दे विजिलेंस ब्यूरो लई इंपोर्टेंट है, क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो दे समन नूं चुनौती केबीएस सिद्धू ने दित्ती है। केबीएस सिद्धू दा तर्क की है कि पहला हाई कोर्ट जाओ, फिर मंजूरी लो, फिर मेरे ते कार्रवाई करो। धारा 17 इहदा भी हवाला दिता गया। साबका आईएएस अफसर विजिलेंस नूं कानून दा पाठ पढ़ा रहे हैं कि धारा 17 दे तहत समन च कुछ नुक्ते सुधारन की जरूरत है। केबीएस सिद्धू दीआं गल्लां पंजाब दे विजिलेंस ब्यूरो लई वड्डियां ते अहम हो सकदियां ने, क्योंकि जिहड़ा नुक्ता साबका आईएएस अफसर ने दिता कि उस नुक्ते बारे पंजाब दी विजिलेंस नूं कोई जानकारी नहीं सी, होया कि मनोज जोशी इस दे तफसील नाल जानकारी दी सांझ पाउणगे। मनोज, केबीएस सिद्धू दे तर्क दे मायने की देखी असीं? जी, केबीएस सिद्धू पहला तो ही हाई कोर्ट गए हुए ने, उत्थे उन्हां नूं राहत काफी मिली हुई है विजिलेंस बारे, पर उन्होंने जिहड़े नुक्ते दस्से ने हाई कोर्ट बारे और जिहड़ी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दे धारा नूं लेके जो सवाल चुके ने, उस नाल भी वड्डी गल उन्होंने एक गल कही है कि जिहड़ा तुसीं नोटिस 7/12 नूं तुसीं अपने दफ्तर तों जारी किया होया, जिहड़ा तुसीं कल रात नूं मैनूं 9 बजे मेरे व्हाट्सएप दे उपर भेजिया है, उन्होंने यह कहना है कि 7 तरीक का नोटिस जारी किया मेरे घर पहुंचे, जबकि मेरा एड्रैस उन्होंने को सब कुछ है, मेरा घर का पूरा जो जानकारी उन्होंने को है, मेरा घर कितने है, तो उसके बावजूद वह जो नोटिस है 7 तरीक का कल रात को लेकिन जांच शामिल होने तो कुछ घंटे पहला उन्होंने रात को 9 बजे व्हाट्सएप से पाया जाता है, जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है 7/12 की, तो वो कहते थे कि भी जिहड़ा इन्नी जल्दी मैं नहीं आ सकता इतने थोड़े को जांच शामिल नहीं हो सकता, तो अगर रात को 9 बजे मैं मैसेज मिला तो मैं प्रेपरेशन किदा करांगा, तो मैं कि 10 बजे आके थोड़े उत्थे शामिल होवांगा। और जी सब तो पहली गल उन्होंने यही गल की, इसे सवाल उठाया कि नोटिस तुम्हें व्हाट्सएप ने भेजा और क्यों भेजा, मेरे घर क्यों नहीं भेजा, अगर 7 तरीक का जारी होया 7 तरीक तो 8 तरीक क्यों नहीं आया, 7 क्यों नहीं पहुंचा है, इन्ने दिन बाद पहले मतलब कि कुछ घंटे पहला भेज के जांच शामिल होने लिए क्यों कह रहे हो? जी मनोज, ये जो चैलेंज किया गया है, जो सवालिया चिन्ह जिहड़ा लीगल ओपीनियन ते खड़ा किया गया है, विजिलेंस ने कि इन्ना कमजोर लीगल ओपीनियन लिया कि साबका आईएएस अफसर विजिलेंस नूं सारे जांच दे घेरे च सवालों के घेरे च खड़ा कर रहे हैं कि तुसीं हाई कोर्ट के निजम की उलंघना कर रहे हो, जां फिर केबीएस सिद्धू किसी होर स्ट्रैटेजी नूं खेड रहे हैं? केबीएस सिद्धू जिहड़े हैगे ने ओह शुरू तों ही मतलब कि जिहड़े विजिलेंस हैगे इन्हां नूं कोर्ट दे विच लेके चले गए सीगे, ते जदों चीफ सैक्रेटरी पंजाब जिहड़े सी साबका अपना सुरेश कौशल वाला मामला भी होया सीगा, उस नूं भी कोर्ट ने इन्हां दे केस नाल जोड़ दित्ता सीगा, उन्हां नूं लुकआउट नोटिस तों राहत दे के इन्हां दे केस नाल जोड़ दित्ता सीगा, जिहड़ी कि फरवरी दे विच दी सुनवाई होणी होंदी, ते इस दे नाल नाल जिहड़ी विजिलेंस सीगी विजिलेंस दा भी कहना सीगा कि जिहड़ी जांच हैगी ओह चल रही है, जांच विच नियमां नूं अग्गे आधार बणा के जो कोर्ट ने राहत दित्ती है, जो कोर्ट ने इस मसले में लेके जो भी निर्देश दिते उन्होंने पालन करते अं अगे नोटिस भेजते हैं, पर इस गलती जो मैंने लगता है कि वह यही हुई हैगी है कि जो नोटिस 7 तरीक न जारी होया वा सीगा वह कल रात को 9 बजे पहुंचा, उन्हों केबीएस सिद्धू ने आधार बना लिया अपने उस तो बचने लिए, नाल जिहड़ियां कोर्ट दीआं इंस्ट्रक्शन से वह भी ला दित्तियां ने, ते उन्होंने कहता विजिलेंस भी तुसीं दस्सो इहदा मैनूं जवाब दो भी इह की है कि मैनूं क्यों टाइम दित्ता हैगा। जी बहुत शुक्रिया मनोज तफसील नाल जानकारी दी सांझ पाउण लई, पर इस तरह की जिहड़ी गलती है उसकी गुंजाइश पंजाब सरकार विच नहीं है। विजिलेंस दी रडार विजिलेंस नूं फ्री हैंड पंजाब दी सरकार ने किया होया है, जेकर इस तरीके नाल पंजाब सरकार दा पंजाब दी विजिलेंस दा लीगल ओपीनियन ही सवालां दे घेरे च होएगा तो फिर विजिलेंस किस तरह कार्रवाई करेगी, केबीएस सिद्धू दे चैलेंज नूं विजिलेंस किस तरह हुण रीट्रैक करेगी। अगली वड्डी खबर तों रुक करांगे, नकोदर तों आ रही है 2 गड्डियां विचाले भयानक